तो गाइस मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं रेसल। अभी तो भाई ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स का जो समर स्लैम में मैच होने वाला है उससे रिलेटेड एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड डेयरिंग स्टिपुलेशन सामने आई है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच के लिए एक नहीं दो दो स्टिपुलेशन सोच रहे हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई एक स्टिपुलेशन इस मैच में होने वाली है। कौन सी होंगी वो दो स्टिपुलेशन उसके बारे में बात करेंगे हम आज की वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग से यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सारे लोग जो भी चैनल पर नए हो तो भाई अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यस हम बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स का जो लास्ट मैच होने वाला है समर स्लैम में, उस मैच में क्या स्टिपुलेशन होने वाली है। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है उस मैच के लिए एक हेल इन अ सेल की स्टिपुलेशन, या यस गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है इसको एक हेल इन अ सेल मैच करने की। लेकिन इसी से रिलेटेड अगर बात करें तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई एक और स्टिपुलेशन के बारे में बात कर रही है, क्योंकि आपने अंडरटेकर और केन के मैच इसमें देखी होगी जो की है रिंग ऑफ फायर की। हाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रिपेयर कर रही है की इस मैच में हम रिंग ऑफ फायर की स्टिपुलेशन भी डाल सकते हैं। बात कर लेते हैं वापस से टॉपिक की, तो ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स का मैच किस स्टिपुलेशन से होगा। तो भाई WWE जो प्लान कर रहे हो प्लान कर रहे हैं कि समर स्लैम जो 2023 होगा वो ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स के मैच से ही हाईलाइट होगा, एंड उसमें इनकी फ्यूड का एंड किया जाएगा एक बहुत ही ज्यादा बड़ी टर्म पर एंड बहुत बड़ी स्टिपुलेशन के ऊपर। तो मे भी हो सकता है WWE यहां पर हेल इन अ सेल मैच को प्रेफर करे। बाकी आप लोग का इस चीज के ऊपर क्या सोचना है मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। आज की वीडियो यहीं तक की थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।